एक बार फिर से मैंने नियोजित टीचर न्यूज 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आइए देखते हैं नियोजित शिक्षकों के लिए खबर। राज्य के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए वेतन निर्धारण के लिए गजट हुआ जारी। राज्य के पंचायती राज एवं नगर निकाय शिक्षकों के प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों के 15% बढ़े वेतन के निर्धारण के लिए गजट जारी कर दिया गया है। हालांकि वेतन निर्धारण से संबंधित अधिसूचना 12 नवंबर को ही जारी हो चुका था। देखेंगे वीडियो को विस्तार से, उससे पहले मेरे नियोजित टीचर न्यूज 2.0 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन और से दबा दें, नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि शिक्षा व्यवस्था संबंधी कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। आइए देखते हैं वीडियो को विस्तार से। अधिसूचना का प्रकाशन गजट में हुआ है। इसके मुताबिक वेतन निर्धारण ऑनलाइन कैलकुलेटर से होगा। ऑनलाइन कैलकुलेटर अभी तैयार हो रहा है। 15% बढ़े वेतन का भुगतान 1 अप्रैल 2021 के प्रभाव से होगा। 1 अप्रैल 2021 के प्रभाव से शिक्षकों के मूल वेतन में 15% की वृद्धि होगी। उल्लेखनीय है कि पंचायती राज एवं नगर निकाय शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों के 5200 से 20200 के वेतन मान के साथ ग्रेड पे में क्रमशः 2024-2028 लागू है। यह भी प्रावधान है कि उन्हें समय समय पर राज्य सरकार के कर्मियों के अनुरूप घोषित महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, मकान भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि दे होगी। साथ ही ग्रेड पे में उनकी सेवा के 2 वर्ष पूरा होने के उपरांत मिलेगा। इस बीच शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों की वर्तमान में वेतन संरचना में सुधार के लिए राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2021 के प्रभाव से उनके मूल वेतन में 15% की वृद्धि की आदेश 29 अगस्त 2020 को जारी किया था। उसके बाद वेतन निर्धारण की अधिसूचना जारी हो चुकी है। वीडियो में इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को एक लाइक और करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।